बेल आइकन दबाइए और हैप्पी फाई के अपडेट्स पाइए। भाई साहब, इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, जिसे मात्र इंप्लीमेंट करने का खर्च इज लगभग 9,000 करोड़। क्या इस कार्ड से इंडिया से करप्शन कम हो जाएगा? क्या इस कार्ड से आगे चलकर सारे आई कार्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा? क्या इस कार्ड के चलते आपके साथ धोखा नहीं हो सकता है, या हो सकता है, या क्या हो सकता है? आइए सुनाए आधार की ये कहानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माई एज, नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी बड़ी भारी भारी, हमारा ये शो जनहित में जारी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने आधार हमारे समक्ष रखा है। नाउ आधार और ऋतिक रोशन में ना ज्यादा फर्क नहीं है, काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों जबरदस्त तरीके से लॉन्च हुए थे, ऐसे आधार के साथ भी हुआ था। आधार अच्छा है ना? हाँ, बहुत भारी चीज ले लिया आजकल मार्केट में। आधार देगा ना तो सब फ्री में मिल जाते हैं, जियो वियो का नंबर भी ले सकते। देखो, आधार का भाई साहब ऐसा है कि पहले आया तो लगा जॉर्ज क्लूनी आए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है गजेंद्र चौहान तो नहीं। हाउ इट ऑल बिगैन। आधार का लॉन्च डेट January 2009। इसको लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव, आप ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा, कि बायोमेट्रिक्स का यूज करके इंडिया में जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है सब्सिडी या राशन के लिए, उसमें हो रहे लीकेज या फ्रॉड को रोकना और आधार के जरिए ही डिलीवरी देना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये आईडी वॉलंटरी आईडी है। वॉलंटरी आईडी का मतलब समझते हो? ऑफकोर्स, मतलब आधार कार्ड लेना है तो लो, वरना मत लो। ये याद रखना मैंने जो भी बोला, आई विल कम बैक टू इट लेटर। और इसी मेगा प्रोजेक्ट को हेड करने के लिए अपॉइंट किया गया इंफोसिस के को फाउंडर नंदन निलेकनी को। ऑब्वियसली उनको किया गया बिकॉज गवर्नमेंट बाबू लोगों के हाथ में दे दो तो वोटर आईडी कार्ड वाला प्रोजेक्ट बन जाता है। हमारा जो राइटर है सौरभ जैन, वोटर आईडी कार्ड उसने 3 बार अप्लाई किया। पहली बार अप्लाई किया, नाम गलत आया। दूसरी बार अप्लाई किया, जेंडर गलत आ गया। अपने आप को देख के सोचा करता था, तुमको कहा क्या जाता है बे? मैं अपना आधार कार्ड वाला अगर फोटो अपने मैट्रिमोनी साइट पे डालूं ना, थूक के जाएंगे मेरे मुंह पे। यहां दुनिया 20 मेगापिक्सल लेकर घूम रही अपने जेब में, सरकार को पता नहीं क्या लगा हुआ है, छटाक भर का झाड़ भर ऐसे आगे लगा के फोटो खिंचवा लो। दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ऐश्वर्या राय भी अपने वोटर आईडी या आधार कार्ड का अगर फोटो रिश्ते के लिए भेजे ना, खड़े खड़े रिजेक्ट होके वापस आएंगी। सीधी सीधी बात है, मैं एंटी आधार नहीं हूं। मैं खुद आधार कार्ड बनवा चुका हूं, क्योंकि मुझे जियो का सिम कार्ड चाहिए था। इससे बेटर रीजन मुझे एक्चुअली मिला नहीं। मैंने आज तक किसी से लिंक भी नहीं करवाया उसको। करवा लूंगा, ऐसा मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं। मुझे आधार कार्ड से प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि किस तरह से इसकी नींव रखी गई। आधार एक्ट को 2016 में मनी बिल में क्लासिफाई करके लोकसभा से पास करवा दिया गया। सरल भाषा में बताऊं तो वो बिल जिसमें टैक्सेशन, रेगुलेशन या पैसे रिलेटेड बातें हों। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आधार एक्ट जिसमें किसी भी एंगल से कोई भी मनी की बात नहीं है, उसे मनी बिल की तरह कैसे पास किया गया? अच्छा, ये भी नहीं, ये सब्जेक्टिव डिबेट हो सकती है इस पे। कारण मैं आपको बताता हूं इसका कारण। क्योंकि अगर आप किसी भी बिल को मनी बिल की तरह पास करते हो तो सीधे लोकसभा से उसको पास किया जा सकता है, राज्यसभा से अप्रूवल की जरूरत नहीं। अब सरकार के पास मेजॉरिटी लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, तो उन्होंने सीधा मतलब खूंटे में डाल दिया, गले के अंदर, समझ रहे हो? ये मनी बिल मुझे बिल कम रॉबर्ट वाद्रा ज्यादा लगता है। नहीं, सब कुछ बायपास करके हम निकल जाएंगे अकाउंटेबिलिटी के नाम पे घंटा। राज्यसभा उसे नहीं रोक सकती, वो सिर्फ इसमें सुझाव दे सकती है। राज्यसभा ने रिकमेंडेशन भी दी। रिकमेंडेशन क्रमांक 1, आधार मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। मतलब सुहागरात के दिन आपको कॉन्डम पहनना है, पहनो, वरना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना देख लो यार। नंबर 2, कोई आदमी अपना आधार कार्ड अगर क्लोज करना चाहे तो अलाउ होना चाहिए। ऑफकोर्स म्यूचुअल ब्रेकअप, यू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप। नंबर 3, आधार जिसके पास नहीं है उसे ऑल्टरनेटिव मीन से सब्सिडीज मिलनी चाहिए। इफ आई एम नॉट इन रिलेशनशिप, आई कैन बी इन ओपन रिलेशनशिप। पर सरकार ने एक भी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया। ये सारी बातें मैंने अपने दोस्त के सामने रखी कि ऐसा ऐसा सीन है और मुझे नहीं लगता कि मुझको आधार कार्ड इतना जरूरी लग रहा है। आई डोंट थिंक आई वांट टू लिंक इट टू माय बैंक अकाउंट, ये वो ऐसा वैसा। तो भड़क गया मेरे पे, ए तू एक नंबर का सूडो लिबरल लेफ्टिस्ट है, एंटी नेशनल है तू, देश के खिलाफ है तू, एक नंबर का देशद्रोही है तू। हां, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के सिवा कुछ नहीं आता तुम लोगों को। तुझे नहीं पता कि आधार का कितने सारे एडवांटेजेस हैं? मैंने बोला एडवांटेजेस हैं? आधार का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को है जिनको जियो का नंबर चाहिए। फ्री डेटा 1 GB पर है, फक ऑल। थैंक यू मुकेश, थैंक यू नीता जी, थैंक यू अनंत, तुम हमारी शान हो। मैंने बोला यार 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो एडवांटेज तो हो गए। इंडिया के रूरल बेल्ट में, यानी कि गांव, खेड़ों, देहातों में, जहां पर डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे सिटीजन हैं जिनके पास कोई भी वैलिड आई कार्ड नहीं है, अब उनके पास आधार कार्ड है और आधार के ही जरिए सब्सिडी से भरी कई स्कीम्स डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा रही, जो कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था, ये बेसिक था।
अरे वहाँ क्या काम किया है हम लोग के गवर्नमेंट ने तो एकदम भमाए उठा के रख दी ना बाहर। भाई क्या उठा के रख दी बाहर, ये बेसिक काम था, ये तो होना ही था। ये तो वही बात हो गई कि आपने जॉब ज्वाइन किया है, सवेरे हम टाइम पे पहुंच गए तो बॉस ने बोला अरे वाह भाई मुकेश तुम तो बड़े टाइम पे आ रहे हो ये लो प्रमोशन। आधार के फेवर में पॉइंट क्रमांक 2, गवर्नमेंट का कहना है कि इसके आने के वजह से इंडिया ने सब्सिडी के मामले में $9 बिलियन की सेविंग की है। $9 बिलियन हमने सोचा कि चलो हड्डे में हाथ डाली देते हैं, निकालते हैं $9 बिलियन। कौन सा सामान है ये? हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में ये कोट किया है कि आधार के जरिए इंडिया कुछ सब्सिडी स्कीम्स के तहत $9 बिलियन देती है, ना कि बचाती है। सब्सिडी देती है, बचाती नहीं है। एंड आई कोट द वर्ल्ड बैंक, द वैल्यू ऑफ दीज ट्रांसफर टू बी 70,000 crore पर एनम। थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, अभी मैं ब्लैक होल की बात कर रहा हूं, अभी ब्लैक होल में तो हमने पैर डालना है। वर्ल्ड बैंक से इंडिया की तरफ एक फिगर आया, इंडिया ने उसको उठाया और बोल दिया हम लोग ने बचाया है, वी हैव प्लांटेड अ फ्रूट ट्री दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग crore ऑफ crores। अब यही लॉजिक आधार के डिफेंस में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में दे रही है और उसके ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं भाई क्या बात कर रहे हो बे, ये सब्सिडी दी जा रही है, सेविंग नहीं की है तुमने। पॉइंट क्रमांक 3, लोग समझ रहे हैं कि आधार इज लाइक SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये अमेरिका का एक कार्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। SSN यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर में कोई फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड नहीं होता, फोटो नहीं होती, वो सिर्फ एक नंबर है। आधार आपको पता ही है कि आपके आंख से लेकर आपके मन की आंख तक सब पेला हुआ है उसमें। दूसरा पॉइंट, आधार आई कार्ड है, SSN आई कार्ड नहीं है, ये सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री रखता है। SSN अमेरिका में जनरली प्राइवेट कंपनीज ओपनली यूज नहीं करती, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए होता है। जबकि आधार नहीं, ये जॉनी सिंस है, मैं ये भी लूंगा, मैं वो भी लूंगा, मैं इसको भी लूंगा, मैं उसको भी लूंगा, मैं वैसे भी लूंगा। अब आते हैं आधार को लेकर जो कंसर्न्स हैं उस पर, आधार और प्रिवेसी। लोगों को लगता है कि आधार की वजह से उनकी प्रिवेसी चली जाएगी। अब इस पर अटॉर्नी जनरल ने कैसे अपना डिफेंस रखा, वो कहते हैं एंड आई कोट, ट्रेन में जो लोग आपस में बैठ के अपने बारे में पूरी कहानियां सुना देते हैं, हाँ, उनको प्राइवेसी की क्या पड़ी है? लोकल ट्रेन में वो अपने मर्जी से बात कर रहे होते हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि टीटी आएगा टिकट चेक करते वक्त बोलेगा कि हाँ टिकट अच्छा है लेकिन अपनी कहानी उसको बता देना वरना अगले स्टेशन पे उतार दूंगा भाई साहब, ऐसा नहीं होता ना। दूसरा लॉजिक सुनिए, चुम्मा फेंक के मारेंगे दांत निकल आएंगे आपके। कहते हैं किस बात की प्राइवेसी मांग रही है जनता जो FB और ट्विटर पे अपने पूरे लाइफ का काला चिट्ठा पब्लिक कर देती है। अरे भाई साहब, सोशल मीडिया पे लोग अपना बैंक डिटेल, पैन कार्ड नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल, कॉल लॉग्स, ये सब नहीं डालते। वो लोग क्या डालते हैं मैं आपको बताता हूँ, ऑन हनीमून विथ माई हस्बैंड एंड 49 अदर्स। अगेन, वहां मैं जो भी कर रहा हूँ FB पे, ट्विटर पे, वो अपने मर्जी से कर रहा हूँ। अरे मेरा मन नहीं होगा तो मैं फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दूं, अगर डिलीट कर दूंगा ऐसा थोड़ी ना कि मार्क ज़करबर्ग आएगा बोलेगा कि ए, बहुत दिन से कुछ पोस्ट नहीं किया है, तेरे घर का नेट ही काटता हूं अभी। क्रमांक 2 जो कंसर्न है, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर दो। है ना पैन कार्ड, इज्जत से अपनी रोजी रोटी खा रहा है ना वो, आधार कार्ड से नहीं करनी उसको दोस्ती तो क्यों करेगा? अरे भाई ये बंधन तो टैक्स का बंधन है। अब आपको बताते हैं, जिस डेस्परेशन से गवर्नमेंट आधार पैन को लिंक करवाना चाहती है, इट रेजेस सस्पिशंस, मेरी तो रॉक वाली आईब्रो उठ जाती है। गवर्नमेंट के कई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का लॉजिक ये है कि लोग डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाकर फ्रॉड करते हैं टैक्स के मामले में, आधार से लिंक कर दो टैक्स फ्रॉड कम हो जाएगा। पहले तो मुझको ये बताओ, ये जो नीरव मोदी था इसका पैन कार्ड आधार से लिंक था क्या? दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि डुप्लीकेट आधार कार्ड नहीं बनवाए जा सकते? अबे थोड़े खजूर खाया करो और थोड़े खजूर अपने बच्चों को भी खिलाया करो। कुछ वक्त पहले हैदराबाद में 30,000 फेक आधार आईडी का मामला सामने आया है। सिक्कर राजस्थान में तो हद हो गई, बजरंग बली का आधार कार्ड बना हुआ है। हुआ क्या कि उन्हें श्रीलंका जाना था ना सीता माता को लेने, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए लगा होगा, सरकार ने बोला पहले आधार बनवा लो। बजरंग बली के आधार कार्ड पे बाकायदा उनकी फोटो है, पिताजी के नाम पे भी लिखा हुआ है पवन, मोबाइल नंबर और फिंगरप्रिंट भी है। वो तो एक दिन पोस्टमैन डिलीवरी करने गया तब पता चला ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं। अब भाई साहब, जिस चीज को मैं बैंक अकाउंट से लिंक कर दूं, फोन से लिंक कर दूं, ये बन कितने सिंसियरिटी के साथ रहा है, इन सारी चीजों से पता चलता है। आधार की अब तक 49,000 एजेंसीज को ब्लैकलिस्ट किया गया। कंसर्न क्रमांक 3, आधार और फोन नंबर। लॉजिक दिया गया है कि नंबर आपके आधार से लिंक रहेगा तो आपके नाम पर कोई और सिम कार्ड इश्यू नहीं कर पाएगा। अभी अभी एक नया नया केस सामने आया जहां पर एक महिला ने अपने नंबर को आधार से लिंक करवाया तो पता चला कि उसके आधार से ऑलरेडी 10 सिम कार्ड इश्यूड हैं। और जब उस महिला ने ट्वीट करके कंप्लेन करने की कोशिश की, जवाब में कहते हैं कि चलो कम से कम तुम्हें इतना तो पता चला कि तुम्हारे नाम पे कितने सिम कार्ड इश्यूड हैं। अबे क्या
क्या बैठे हो? कंसर्न क्रमांक 4, आधार एंड सिक्योरिटी। 125 करोड़ की जनता, 111 करोड़ जो आधार कार्ड अब तक बना चुके हैं, उनका सारा डेटा स्टोर होता है CIDR। CIDR यानी सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में। चलो इस रिपोजिटरी को मानते हैं कि ब्रीच नहीं किया जा सकता, हाइपोथेटिकली किया जा सकता, बट एक बार मानते कि नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको क्या लगता है, फिंगरप्रिंट सिर्फ आधार कार्ड में यूज होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ESIC 50 मिलियन बायोमेट्रिक रिकॉर्ड। गुजरात राशन कार्ड प्रोजेक्ट 7 मिलियन फिंगरप्रिंट। नेशनल मरीन फिशेज डेटाबेस 2.1 मिलियन। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज 2.1 मिलियन फिंगरप्रिंट्स, जिसमें से कुछ तो मुर्गियों के और मछलियों के भी फिंगरप्रिंट ले चुके हैं। और रही बात सिक्योरिटी ब्रीच की, तो 2015 में ही चाइनीज हैकर्स ने US गवर्नमेंट के HR डिपार्टमेंट को हैक करके 56 लाख फिंगरप्रिंट चुरा लिए थे। कंसर्न क्रमांक 5, आधार एंड उसको लेकर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन। एक्सपर्ट्स मतलब मुरली कार्तिक और आकाश चोपड़ा नहीं बिठा रखे हमने। एडवर्ड स्नोडन का कहना है, आधार एक सर्वेलेंस टूल की तरह यूज हो सकता है और इसका नॉन गवर्नमेंटल यूजेज को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, और फ्यूचर में इट्स वेरी लाइकली कि इसे सर्वेलेंस टूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। यानी आपके सारे ट्रांजैक्शंस, फोन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सब कुछ सरकार को पता होगा, जो कि गवर्नमेंट आपके खिलाफ भी यूज कर सकती है। रॉ के फॉर्मर चीफ KC वर्मा का कहना है, आधार कार्ड से बड़ा चूतियापा मैंने नहीं देखा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में आधार कार्ड बनाने के लिए भी आधार कार्ड लगे। कंसर्न क्रमांक 6, आधार एंड लीगैलिटी। आधार को लेकर लीगल सिस्टम हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है? अगर कोई एजेंसी आपका आधार नंबर पब्लिश कर दे तो उसे 3 साल की सजा, और अगर आपका डेटा लीक हो गया तो आप FIR भी दर्ज नहीं कर सकते। FIR UIDAI ही आपके बिहाफ पर कर सकती ना। आधार डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। मतलब आधार में अभी तेंडुलकर वाला टैलेंट है, मगर जिस तरह से ये जा रहा है, ये विनोद कांबली भी बन सकता है। विनोद कांबली वाज वेरी टैलेंटेड, बट सर्कमस्टेंसेस यार। अगर आधार के सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं बनाए गए तो वी आर इन फॉर डेटा टेररिज्म। एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस, आई एम सेइंग दिस, व्हाट डू यू थिंक? बाकी ये नकली है, इसमें कुछ नहीं है, हम लोग ने ऐसे थोड़ा अमीर लगने के लिए लगा रखा है। मैं तो ये भी नहीं दिखा सकता मैं इसके नीचे क्या पहना हूं। प्लीज अगर आप चाहते हो कि मैं इनके नीचे एक पैंट भी पहना करूं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हैप्पीफाई एंड कीप लविंग। जनहित में जारी।